जय हिंद बच्चों, एक और करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, त्रिकोणमिति सेक्शन के अंतर्गत आज नया चैप्टर त्रिभुजों के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जनरली एनडीए और एयरफोर्स में इससे रिलेटेड एनडीए में तो हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएं और एयरफोर्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को हमें सही से पढ़ना है। इस चैप्टर के अंतर्गत हमें त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, भुजाओं के आधार पर अथवा कोणों के आधार पर। तो सबसे पहले त्रिभुज की डेफिनेशन यानी परिभाषा देखनी है। तो त्रिभुज की परिभाषा को जब आप लिखेंगे, ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बताएंगे ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाई थ्री स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। अर्थात हिंदी में त्रिभुज की परिभाषा आप बताएंगे कि 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहां पे बंद शब्द बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बंद शब्द नहीं बोलेंगे तो 3 भुजाएं तो हम इस प्रकार से भी ले सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे ये एक त्रिभुज नहीं है। तो त्रिभुज नहीं है, इसके लिए आपको इस प्रकार से अगर आप 3 सरल रेखाएं लेते हैं तो आप देखेंगे ये 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति है और ये त्रिभुज कहलाएगी। त्रिभुज जैसा कि नाम से ही आप देखते हैं, त्रिभुज मीन्स 3 भुजाएं। तो त्रिभुज में अगर आप देखेंगे ये एक त्रिभुज एबीसी है। इस त्रिभुज में फर्स्ट साइड यानी कि हम कह सकते हैं पहली भुजा एबी, देन बीसी, देन एसी। त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। कोण फर्स्ट एंगल एंगल ए, सेकंड एंगल बी एंड थर्ड एंगल सी। तो कुल मिला के त्रिभुज में 3 भुजाएं तथा 3 कोण होते हैं। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए की भुजा, शीर्ष ए के सम्मुख भुजा यानी कि साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, वेयर एज द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स बी इज डिनोटेड बाय स्मॉल बी एंड द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स सी इज डिनोटेड बाय स्मॉल सी। यानी कि हम कह सकते हैं शीर्ष ए के सम्मुख भुजा को स्मॉल ए से, शीर्ष बी के सम्मुख भुजा को स्मॉल बी से और शीर्ष सी के सम्मुख भुजा को स्मॉल सी से निरूपित रिप्रेजेंट करते हैं। एज यू नो द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। याद रखो किसी भी बहुभुजी आकृति के अंतः कोणों का योग भुजाओं के बदलने से चेंज हो जाता है, जबकि उनके बहिष्कोणों का योग भुजाओं पर निर्भर नहीं करता है। यानी त्रिभुज के सभी बहिष्कोणों का योग पूछे तो आप सदैव 360 अंश यानी 360 डिग्री बताएंगे। चतुर्भुज हो तो भी बहिष्कोणों का योग 360 अंश ही बताना है। ओवरऑल यू कैन से द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ साइड्स। यानी कि बहुभुज के बहिष्कोणों का योग सदैव भुजाओं की संख्या से स्वतंत्र होता है। तो किसी भी बहुभुज के बहिष्कोणों का योग सदैव 360 अंश होता है, जबकि अंतः कोणों का योग भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए जैसा कि त्रिभुज के सभी अंतः कोणों का योग मैंने 180 डिग्री बताया, तो अब आप एक रिजल्ट याद रखेंगे
कि किसी भी एन साइडेड पॉलीगॉन के सभी इंटीरियर एंगल्स का सम आप इस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। एन का मान सदैव 3 अथवा 3 से बड़ा होना चाहिए। यदि आप एन की वैल्यू 3 लेते हैं तो ट्रायंगल बनेगा, एन की वैल्यू 4 लेते हैं तो क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बनेगा, 5 लेते हैं तो पेंटागन अर्थात पंचभुज बनेगा। तो ओवरऑल किसी भी एन साइडेड पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम आप इस फार्मूले से निकालेंगे। अगर आप चाहते हैं चेक करना, तो जैसे ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, आप इस सूत्र में एन की जगह 3 रखेंगे तो आप देखेंगे ये वैल्यू 180 डिग्री आ जाएगी। सिमिलरली अगर कभी कोई हमसे पूछ दे व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, तो पेंटागन जैसा कि हिंदी में पंचभुज होता है, पंचभुज मीन्स ऐसा बहुभुज जिसमें 5 भुजाएं हो, तो 5 भुजाएं होने के लिए n की जगह आप 5 रखेंगे, 5 × 2 यानी 5 × 2 = 10 माइनस 4 यू विल गेट 6, 6 × 90 डिग्री इट मीन्स 540 डिग्री। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग 540 अंश होगा, जबकि इसके बहिष्कोणों का योग 360 अंश ही रहेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, केवल अंतःकोणों का योग भुजाओं की संख्या पर निर्भर करता है, जबकि बहिष्कोणों का योग भुजाओं की संख्या से स्वतंत्र होता है। इसी के अंतर्गत अब आगे हम लोगों को देखना है यानी पढ़ना है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो त्रिभुज के प्रकार की बात जब आएगी तो आप देखेंगे कि त्रिभुज दो प्रकार से वर्गीकृत किए जा सकते हैं। ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बाय टू बेस, फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पर, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, कोणों के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर अगर आप देखें तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, फर्स्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मीन्स दैट ट्रायंगल हूज ऑल साइड्स आर इक्वल, दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल साइड ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, यानी कि ऑल द 3 साइड्स आर इक्वल। सेकेंड आइसोसेलीस ट्रायंगल, सम द्विबाहु त्रिभुज, ए ट्रायंगल इन विच एनी 2 साइड्स आर इक्वल। In this triangle, side AB equal to side AC, whereas third side is different from AB and AC. So in this triangle, AB equal to AC. यानी जिस त्रिभुज की कोई दो भुजाएं आपस में बराबर हो उसे आप समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। थर्ड आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल को हिंदी में विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज मीन्स दैट ट्रायंगल हूज नो 2 साइड्स आर इक्वल, ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर ना हो उसे आप विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल
दिस इज ए स्केलिंग ट्रायंगल इन दिस ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ओवरऑल आप कह सकते हैं जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं डिफरेंट हो, अलग अलग हो, जैसे 3, 4, 5, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3, 4 और 5 हो, ये आप स्केलिंग ट्रायंगल कहेंगे इसको, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, इसलिए इसलिए आप इस त्रिभुज को विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। सेकेंड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, भुजाओं कोणों के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। उनमें फर्स्ट अगर देखें आप, तो फर्स्ट आपका होगा राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कि समकोण त्रिभुज। सेकंड होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। और थर्ड आपका होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यानी कि समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में कहेंगे समकोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को आप कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को कहेंगे अधिक कोण त्रिभुज। अब बात यह आएगी कि समकोण त्रिभुज की डेफिनेशन क्या है, यानी किस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो आप बताएंगे ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो, यानी ए ट्रायंगल इज सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। सेकंड, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में न्यून कोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण 90 अंश से छोटे हों, यानी ए ट्रायंगल इज सेड टू बी एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल इफ इट्स ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। प्रत्येक कोण आपका 90 अंश से कम हो, ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। थर्ड, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसके जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो, ए ट्रायंगल इज सेड टू बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल इफ इट्स वन एंगल इज मोर देन 90। इन दिस ट्रायंगल यू विल सी दैट एंगल इज मोर देन 90, सो इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इन दिस ट्रायंगल यू सी all angles are less than 90 degrees, so it is an acute angle triangle. And in this condition, in this triangle, you will see that one angle of this triangle is 90 degrees, so it is right angle triangle. तो जैसा कि आपने देखा, overall आप कह सकते हैं त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, 3 भुजाओं के आधार पर तथा 3 कोणों के आधार पर। अब इसमें कुछ प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि कभी भुजाएं दे दी जाएंगी और हमसे त्रिभुज की प्रकृति कोण के आधार पर पूछेगा, तो इसका आंसर किस प्रकार दिया जाएगा, इस पे हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें यह याद रखनी है कि इन विच कंडीशन ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। अगर त्रिभुज के बारे में पूछा जाए कि दी गई माप से या दी गई मापों से क्या त्रिभुज बनाया जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि यदि किन्हीं दो मापों का योग तीसरी से बड़ा हो, तभी त्रिभुज की रचना की जा सकती है, अदरवाइज ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। जैसे कि
आपको दे दिया गया, क्या इन मापों की या इन रेखाओं की सहायता से त्रिभुज बनाया जा सकता है? फर्स्ट इज गिवन 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। क्या दी गई मापों से त्रिभुज की रचना की जा सकती है? तो आप देखेंगे क्या किन्हीं दो का सम यानी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है। इन दिस कंडीशन यू विल सी दैट 7 = 7, सो ट्रायंगल कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड। तो इसका मतलब है त्रिभुज की रचना के लिए आवश्यक शर्त अब इनसे देखेंगे, क्या इन मापों की सहायता से त्रिभुज बनाया जा सकता है? तो आप देखेंगे यस, इन विद द हेल्प ऑफ दीज साइड्स ए ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड। किन्हीं दो का सम देखें, 3 + 4 = 7, 5 से बड़ा है, 4 + 5 = 9, 3 से बड़ा है, 3 + 5 = 8, 4 से बड़ा है। तो आप देख रहे हैं इन मापों की सहायता से त्रिभुज की रचना की जा सकती है। या एक चीज और याद रखेंगे, जैसा कि मैंने बोला द सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन, द सम ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन हर साइड। या एक चीज और कह सकते हैं आप कि द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन, तो द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स शुड बी लेस देन थर्ड साइड। उदाहरण के लिए जैसे देखें आप इसी को देखें, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी से छोटा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आपने लिखा 5, 12, 13, किन्हीं दो का डिफरेंस थर्ड से छोटा होना चाहिए। तो आप देखें 12 और 5 का डिफरेंस 7 है जो कि 13 से छोटा है, 12 और 13 का डिफरेंस 1 है जो कि 5 से छोटा है, 5 और 13 का डिफरेंस 8 है जो कि 12 से छोटा है। तो कुल मिला के हमें दो चीजें याद रखनी है, त्रिभुज तभी बनाया जा सकता है फर्स्ट जब या तो किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो अथवा किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। It means you can say a triangle can be constructed with the help of given sides if the sum of any two is greater than third side, otherwise the difference of any two should be less than third side. इसके बाद अब हम लोगों को देखना है सूत्रों के बारे में, थोड़ा सा पढ़ना है कि कौन कौन से फार्मूले इस चैप्टर में प्रयोग में आएंगे। तो सबसे पहला आपका है साइन रूल, साइन रूल जिसको हिंदी में ज्या नियम कहते हैं। ज्या नियम के अंतर्गत आप देखेंगे इफ एबीसी इज ए ट्रायंगल देन यू नो साइड अपोजिट टू वर्टेक्स ए इज स्मॉल ए, अपोजिट टू वर्टेक्स बी इज स्मॉल बी, अपोजिट टू वर्टेक्स सी इज स्मॉल सी। सो अकॉर्डिंग टू साइन रूल साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड एज के और यू विल कंसीडर 1/k एज रिक्वायर्ड, जैसी जरूरत हो या तो k मानेंगे या 1/k मानेंगे। हो सकता है कुछ बुक्स में यही साइन रूल इस प्रकार से भी लिखा हो a अपान साइन a इक्वल टू b अपान साइन b इक्वल टू c अपान साइन c, इसको भी एज यू रिक्वायर्ड यू कैन एज्यूम दिस इक्वल टू k आर बना पान के। तो फाइनली ये आपका साइन रूल है। साइन रूल में हमें क्या देखते हैं कि किसी एंगल के अपोजिट किसी साइड का एंगल, किस ट्रायंगल के किसी एंगल का साइन अपान उसके अपोजिट साइड सेम होगा, दूसरे एंगल का साइन अपान उसके अपोजिट साइड, थर्ड एंगल का साइन अपान उसके अपोजिट साइड। तो ये आपका साइन रूल हो गया है। साइन रूल के बाद नेक्स्ट आपका आएगा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल को
कोज्या नियम कहते हैं। कोज्या नियम में फर्स्ट फार्मूला अगर आप देखेंगे, इस ट्रायंगल को ही ले लिया जाए तो कॉस ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी। आप इस फार्मूले को देखें तो हमें फार्मूले बेसिकली एक चीज ये होती है कि फार्मूले याद करने के बजाय, क्योंकि फार्मूले बहुत हैं, अगर उनको याद करेंगे तो कभी हो सकता कंफ्यूज हो जाएं, इसलिए उन फार्मूलों को याद करने के लिए हमें अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसी ट्रिक बैठा लेनी है या कॉन्सेप्ट बैठा लेना है जिससे नेक्स्ट फार्मूला लिखा जा सके। तो आप इसमें देखते हैं, जब हमने कॉस ए का फार्मूला लिखा है तो ट्रायंगल की तीन साइड बी सी ए जिस एंगल के अपोजिट, जिस साइड के अपोजिट एंगल का कॉस आप लिखेंगे उसका स्क्वायर नेगेटिव यानी कि माइनस में लेंगे और रिमेनिंग दोनों के स्क्वायर्स को हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहां आपने देखा कॉस ए का फार्मूला क्या हुआ, ए के अपोजिट साइड का स्क्वायर नेगेटिव लिया जाएगा और रिमेनिंग दो के साइड्स का स्क्वायर पॉजिटिव लेंगे, और जिन दो साइड्स के स्क्वायर को आपने पॉजिटिव लिया है उन्हीं दोनों साइड्स के प्रोडक्ट का डबल आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो इसके हेल्प से अगर हमसे कह दिया जाए व्हाट इज कॉस बी, तो यू नो दैट कॉस बी कैन बी रिटन एज कॉस बी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखो एंगल बी के अपोजिट साइड बी होगी तो इसका स्क्वायर आपने नेगेटिव लिया है अपॉन टू सी ए। सिमिलरली यू कैन राइट कॉस सी, कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी। तो फाइनली ये तीन सूत्र आप देख रहे हो कोसाइन रूल के हैं। बीच बीच में जो मैं यहाँ लिख देता हूँ चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने फोन में यदि आप मोबाइल में देख रहे हैं, जिससे कि ये फार्मूले आपके पास नोट हो जाएं। कोसाइन रूल के बाद अगला आता है प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूले के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, देखिए जरा थर्ड आपका आएगा प्रोजेक्शन फार्मूला, हिंदी में इसे प्रक्षेप सूत्र कहते हैं। प्रक्षेप सूत्र के अंतर्गत क्या लिखना होता हमें, इस सूत्र में त्रिभुज की किसी एक भुजा का मान अन्य दो भुजाओं तथा उनके अपोजिट एंगल्स के फॉर्म में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए बी सी इज ए ट्रायंगल देन इन दिस फार्मूला वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ साइड ए इन टर्म्स ऑफ साइड बी एंड सी एंड एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स। सिमिलरली अगर भुजा बी का मान हम लिखेंगे तो भुजा ए और सी के साथ इनके अपोजिट एंगल्स के टर्म में लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं, फर्स्ट स्मॉल ए इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। सेकेंड फार्मूला बी इक्वल टू, बी इक्वल टू सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, C cos A plus A cos C. Similarly, you can write the value of third side C and it is equal to A cos B plus B cos A. तो ये projection formula है। Projection formula में अगर आप देखें तो तीनों भुजाएं जो मैंने लिखी हैं, इसमें side A आ रही है तो RHS में B और C, और B के अपोजिट एंगल यहां आएगा और C के अपोजिट एंगल इधर आएगा। तो ओवरऑल ये प्रोजेक्शन फार्मूला हुआ है। प्रोजेक्शन फार्मूले के बाद अगला आपका आता है
नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स एनालॉजी को समझने से पहले हमें कुछ चीजों के बारे में और समझना है। उसमें एक टर्म आपने पास्ट में पढ़ा होगा, पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप आप जानते हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है। एज यू नो द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स एंड इट इज डिनोटेड बाय 2s। टू स्मॉल s डिनोट्स पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। यहां से अगर आप s की वैल्यू निकालेंगे तो इट विल बी a प्लस b प्लस c अपॉन 2, वेयर s डिनोट्स सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप और पेरीमीटर आपका जो होता है उसको परिमाप कहते हैं। तो त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है, अर्ध परिमाप तीनों भुजाओं के योग का आधा होता है। क्योंकि नेपियर्स एनालॉजी में हमें स्मॉल एस की जरूरत होती है, इसलिए आप नेपियर्स एनालॉजी में इनकी जरूरत नहीं है। नेपियर्स एनालॉजी के पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, हाफ एंगल्स फॉर्मूले। हाफ एंगल्स फॉर्मूले में हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी। तो हाफ एंगल्स फॉर्मूले में सबसे पहले आपको वैल्यू लिखनी होती है साइन ए बाई टू। साइन ए बाई टू की वैल्यू क्या होगी? साइन ए बाई टू इक्वल टू रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन बी सी। जरा साइन ए बाई टू के फार्मूले को देखो आप, मैंने किस प्रकार लिखा है। एंगल ए का हाफ लिया है तो स्क्वायर रूट के अंदर कहीं पे साइड ए नहीं आएगी, यानी एस से रिमेनिंग जो साइड दो बची हैं उनका डिफरेंस प्रोडक्ट में लिखा जाएगा और उन्हीं का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो आप देखें इसी के बेस पे आप साइन बी बाई टू का फार्मूला भी लिख सकते हैं। और साइन बी बाई टू इक्वल टू क्या होगा? अब चूंकि एंगल बी ले रहे हैं तो यहां पे स्मॉल बी नहीं आएगी बल्कि एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन सी ए। सिमिलरली साइन सी बाई टू की वैल्यू अगर लिखनी हो तो आप लिखेंगे रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपॉन ए बी। ये आप देख रहे हो साइन हाफ एंगल फार्मूले में पहले तीनों एंगल्स के हाफ, तीनों एंगल्स के साइन का हाफ लिखा गया है। नो, इन दीज थ्री फार्मूला बी राइट हाफ ऑफ द साइन ऑफ हाफ ऑफ द एंगल्स। नाउ कॉस ए बाई टू की वैल्यू अगर आपको नोट करनी है, कॉस ए बाई टू क्या होगा? रूट एस इंटू एस माइनस ए। अब इसमें देखिए आप एंगल ए का हाफ ले रहे हैं तो एंगल ए के अपोजिट साइड का ही एस से डिफरेंस लेंगे और अपान रिमेनिंग दो साइड्स का प्रोडक्ट डिनोमिनेटर में आएगा। सिमिलरली कॉस बी बाई टू की वैल्यू जब लिखी जाएगी तो आप लिखेंगे एस इंटू एस माइनस बी अपान सी ए। कॉस सी बाई टू इक्वल टू रूट एस इंटू एस माइनस सी अपान ए बी। अब आप देख रहे हैं हमने साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू, साइन सी बाई टू के साथ साथ इनका इनकी वैल्यू लिख ली है या इनके फार्मूले लिख लिए हैं। इनकी हेल्प से आप तीन फार्मूले और लिख सकते हैं टेन ए बाई टू। तो एज यू नो टेन ए बाई टू कैन बी रिटन एज साइन ए बाई टू अपॉन दिस, यानी कॉस ए बाई टू। तो साइन ए बाई टू की वैल्यू ये अपॉन दिस वैल्यू कर देंगे तो
तो बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास फार्मूले में आ जाएगा रूट एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपान एस इंटू एस माइनस ए। फिर देखने एक बार टेन ए बाई टू इक्वल टू लिखा जा सकता है साइन ए बाई टू अपान कॉस ए बाई टू। साइन ए बाई टू की वैल्यू ये है, कॉस ए बाई टू की वैल्यू ये है और दिस अपान दिस कर देंगे तो बीसी से बीसी कैंसिल। सिमिलरली या अब टेन ए बाई टू का अगर फार्मूला समझ में आ गया है तो इसी की हेल्प से टेन बी बाई टू लिख सकते हैं। जरा इसको समझो, टेन ए बाई टू जब आपने लिखा तो इस एंगल के अपोजिट साइड डिनोमिनेटर में आ रही है और रिमेनिंग दोनों साइड्स न्यूमरेटर में आ रही हैं। सिमिलरली यहां पे आप लिख सकते हैं टेन बी बाई टू इक्वल टू एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपान एस इंटू एस माइनस बी। एट लास्ट टेन सी बाई टू इज इक्वल टू रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी अपान एस इंटू एस माइनस सी। तो ये आप देख रहे हो हाफ एंगल्स फार्मूले हो गए हैं। अब इन हाफ एंगल्स फार्मूले के बाद आगे हमें जो पढ़ना है वो आप देखेंगे नेपियर्स एनालॉगी के बारे में पढ़ना है। लेकिन नेपियर्स एनालॉगी को पढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि त्रिभुज की भुजाएं अगर दी गई हैं तो कैसे हम उन त्रिभुज की प्रकृति कोणों के आधार पर बताएंगे। यानी इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर गिवन देन हाउ कैन यू से द नेचर ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। कोणों के आधार पर त्रिभुज की प्रकृति पूछी जा सकती है। पूछ दिया जाएगा कि दीज थ्री साइड्स फॉर्म एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे हम लोग देखेंगे तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, अदरवाइज मैंने समझा दिया है आपको, सब कुछ समझ में आया होगा। आगे हम लोग भुजाओं के ज्ञात होने पर त्रिभुज की प्रकृति बता देंगे। हमें देखिए, अब हम लोगों को देखना है कि सपोज आपसे कह दिया गया कि दीज साइड्स फॉर्म, इन भुजाओं से बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति बतानी है। तो आपको कभी भी त्रिभुज की भुजाएं दी जाएं और त्रिभुज की प्रकृति यानी नेचर ऑफ द ट्रायंगल, वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। सो फर्स्ट यू फाइंड द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट साइड, यानी कि इन दिस कंडीशन दिस साइड इज द लार्जेस्ट, सो 13 स्क्वायर एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, और अन्य दो भुजाओं का योग निकालेंगे। फिर से एक बार समझ लें, जब त्रिभुज की भुजाएं दी जाएं और त्रिभुज की प्रकृति कोणों के आधार पर पूछे तो पहली स्टेप क्या करनी है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग नोट करेंगे और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग नोट करेंगे। जब आप सबसे बड़ी भुजा का वर्ग नोट कर लेंगे और अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग नोट कर लेंगे तो इनमें हमें रिलेशन फाइंड करना होगा कि क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है, बराबर है या छोटा है। यदि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज ग्रेटर देन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, तो आप ट्रायंगल को ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज बताएंगे। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ा है तो ट्रायंगल का नेचर आप बताएंगे
ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। जैसे कि हमें दे रखा है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 3, 4 एंड 6। तो 3, 4 एंड 6 के केस में अगर आप देखेंगे तो 6 इज द लार्जेस्ट साइड, यानी 6 का स्क्वायर, और रिमेनिंग दो साइड 3 और 4 हैं, तो इनके स्क्वायर्स का सम जब आप चेक करेंगे तो देखेंगे कि ये 36 आएगा, ये 25 आएगा, और 36 ग्रेटर देन 25 इट मींस दीज थ्री साइड्स फॉर्म एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी इन भुजाओं की सहायता से एक अधिक कोण त्रिभुज की रचना की जा सकती है। सेकंड, अगर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो, यानी ग्रेटर देन के प्लेस पे इक्वल टू का साइन लग जाए, तो आप ट्रायंगल का नेचर बताएंगे राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो जरा इधर देखिए, यदि किसी त्रिभुज की बजाय 5, 12 और 13 है, यानी इफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5, 12 एंड 13, देन यू सी दैट द स्क्वायर ऑफ 13 इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, सबसे बड़ी साइड यानी 13 का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, अतः आप कह सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, यानी कि दीज आर द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। और थर्ड अगर केस आप ले लें 5, 12, 6, 8 और 9, यानी यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 6, 8 और 9 हो, तो फिर से आप देखेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि 9 का स्क्वायर, रिमेनिंग दोनों साइड्स के स्क्वायर का सम ये होगा 9 स्क्वायर इज 81, दिस इज 36 प्लस 64 100, एंड यू सी दैट 81 इज लेस देन 100, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बीच लेस देन का साइन लगे, तो ट्रायंगल का नेचर क्या बता दिया जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको जो भी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, आपको इन भुजाओं से बनने वाले ट्रायंगल का नेचर बताना है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 12, 15 और 16 हो, तो इससे बनने वाले त्रिभुज की प्रकृति, त्रिभुज की प्रकृति मीन्स कि ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा या न्यून कोण त्रिभुज होगा, यानी वी हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स इफ द साइड्स आर 12, 15 एंड 16। जय हिंद बच्चों, आज जो भी आपको पढ़ाया है उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आया होगा। अपने जो भी कमेंट हैं उनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे।